द्वंदियों को बहुत पीछे छोड़ते हुए एक बार फिर मऊ रानीपुर नगर पालिका सीट पर अपना दबदबा कायम रखते हुए समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हरीश चंद्र आर्य ने जीत हासिल की है। इस दौरान हमारे संवाददाता ने उनसे मुलाकात की, जानिए क्या कहा उन्होंने। मऊ रानीपुर नगर पालिका में काफी संग्राम के बाद नव निर्वाचित प्रत्याशी हरीश चंद्र आर्य जी जो मऊ रानीपुर नगर पालिका से निर्वाचित हुए हैं आज हमारे साथ हैं, आइए उनसे बात करते हैं। सबसे पहले उनकी प्राथमिकता क्या रहेगी? हरीश चंद्र आर्य जी जीतने के बाद सबसे पहली प्राथमिकता आपकी क्या रहेगी? सबसे पहले पूरे मऊ रानीपुर के बड़े बुजुर्गों के चरणों में नमन करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ सभी मतदाताओं को कि जिन्होंने चौथी बार हमें इस लायक समझा और जो भी अधूरे काम है हमारे पूर्व के, वो सुखने नदी है, अन्य चीज़ें हैं, वो सब पूर्ण करेंगे। सबसे पहले क्या, सबसे मुख्य क्या योजना क्या है? सुखने नदी को पिकनिक स्थान बनाने की योजना है पहले नंबर पे हमारी। दूसरे पे माँ एक पार्क डेवलप करना है जो हमारी 55 एकड़ की ज़मीन है नगर पालिका परिषद की, उसमें एक वाटर पार्क बनाएंगे बहुत बड़ा, इस शहर के इस नदी उस तरफ के लिए जिलों हो गए और शहर के लिए वो हो जाएगा, उस तरफ भी लोग घूमने जाते हैं। ये थे हमारे साथ में नवनिर्वाचित हरीश चंद्र जी जिन्हें मऊ रानीपुर की जनता ने चौथी बार अध्यक्ष पद के लिए चुना है। न्यूज़ बुंदेलखंड के लिए शक्ति श्रीवास के साथ रवि परिहार की रिपोर्ट।